कर रहे हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है आज का, क्योंकि कल जो हमने बात की थी वो स्ट्रेटजिक की थी एग्जाम के लिए, है ना। आज थोड़ा फिलोसॉफी में जाएंगे, और फिलोसॉफी में इसलिए जाएंगे क्योंकि आज हम दूसरे प्रकार की फिलोसॉफिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे। रणनीति हमारी बदलेगी, और रणनीति इसलिए बदलना पड़ती है क्योंकि हम लोग जो एडिट्स पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, और तमाम विचार जो पढ़ते हैं, और फिर परीक्षा देनी पड़ती है, तो परीक्षा की अपनी डिमांड होती है, जिंदगी की अपनी डिमांड होती है, और जो रैशनैलिटी होती है उसकी अपनी एक डिमांड होती है। जब आप रैशनल होते हैं तो आपकी डिमांड अलग होती है, जब आप धार्मिक होते हैं तब आपकी डिमांड अलग होती है, और जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तब आपकी डिमांड अलग होती है। पॉलिटिक्स के अपने कंपल्शन भी हैं, उनकी अपनी डिमांड भी है, और राजनीति में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि मुझे वोट किस प्रकार मिलेंगे, मेरी पार्टी को मैं किस प्रकार आगे बढ़ाऊं, किस नीति पर चलते हुए मुझे सफलता प्राप्त होगी, बड़ा सा बड़ा पद प्राप्त होगा। जब आप व्यापारी होते हैं तब आपकी डिमांड अलग होती है, तब आपके साथ कंपल्शन अलग होते हैं, क्योंकि व्यापार करना है आपको, तो वहां लाभ और हानि के हिसाब से देखा जाता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है कि नहीं। और जब आप सामाजिक व्यक्ति होते हैं, सामाजिक संगठन में होते हैं, तब आप अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं। और जब आप विचारक होते हैं, जब आप विचार करने वाले होते हैं, रेशनल होते हैं, तब विचारक के तौर पे, थिंकर के तौर पे बिल्कुल एक अलग तरह का आपका, आपकी ड्यूटी भी होती है, और लेकिन आप शिक्षक होते हैं तब, और खास करके जब आप परीक्षा विद्यार्थी हो तब। देखिए, विद्यार्थी और परीक्षार्थी में भी अंतर है। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जो होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका उद्देश्य विद्या अर्जन करना है, तो विद्या अर्जन करना है तब आपकी स्थिति अलग होती है, और जब आप परीक्षार्थी होते हैं तब स्थिति अलग होती है। विद्यार्थी होते हैं तब आप क्लास में बैठते हैं और शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और लाइब्रेरी में जाते हैं और किताबें पढ़ते हैं, ये काम विद्यार्थी का है एक तरह से। घर पे होमवर्क करते हैं, घर पे आप होमवर्क करते हैं, लेकिन जब आप परीक्षार्थी होते हैं तब विद्यार्थी से थोड़े भिन्न हो जाते हैं, तब लाइब्रेरी में जाना उतना जरूरी नहीं होता, क्लास में बैठना उतना जरूरी नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप अनसॉल्व लेते हैं, प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न के हिसाब से उत्तर डिजाइन करने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, और उस समय आपका उद्देश्य होता है परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, तब विद्या अर्जन करना आपका उद्देश्य नहीं रह जाता, परीक्षार्थी का उद्देश्य बदल जाता है। और जब आप प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी होते हैं तब तो फिर बदल जाता है। कंपटीशन एग्जाम का जब आप एस्पिरेंट हैं और तब आप एग्जाम दे रहे हैं, तब आपकी स्थिति बिल्कुल दूसरी होती है। तब न केवल सफल होना है बल्कि सिलेक्ट होना है, चयन होना है। चयन पे ध्यान रहता है हमारा कि हमारा चयन होगा कि नहीं। तो आप कई सारी रोल कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, भूमिका संघर्ष होता है हमारा, जब हम विद्यार्थी की भूमिका में होते हैं, जब हम परीक्षार्थी की भूमिका में होते हैं, जब हम प्रतियोगी परीक्षा की भूमिका में, परीक्षार्थी की भूमिका में होते हैं, जब हम समाज के सदस्य होते हैं, जब हम परिवार के सदस्य होते हैं, जब हम धार्मिक संगठन के सदस्य होते हैं, जब हम राजनीतिक संगठन से प्रेरित होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं, और खास करके हम अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित हो रहे होते हैं, और समाचार सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप एक दर्शक भी हैं। टेलीविजन चैनल पे अगर आप समाचार देख रहे हैं तो आप दर्शक हैं, और सुन रहे हैं तो आप ऑडियंस में तो आते ही हैं।
ऑडियंस के नाते भी आप एक की एक भूमिका होती है, ऑडियंस की भूमिका, समाचारों को सुनना, उनको ग्रहण करना और फिर उनको उनका इंटरप्रिटेशन करना। तो कितने तरह की भूमिकाएं हम एक साथ निभा रहे होते हैं। अब इन सारी भूमिकाओं में संघर्ष होता है, आपस में संघर्ष होता है। जब हम परीक्षार्थी के तौर पे सोचते हैं या रैशनल थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं, किसी चीज के आइडियोलॉजी को ग्रहण करते हैं, उसके हिसाब से राजनीति को होता हुआ नहीं देखते हैं, उसके हिसाब से धर्म को होता हुआ नहीं देखते हैं, उसके हिसाब से समाज को चलता हुआ नहीं देखते हैं, तो एक निराशा आती है या फिर संघर्ष होता है, विचारों में संघर्ष होता है। हम कई तरह के विचार लेके घूमते हैं तो उन विचारों में संघर्ष होता है। फिर ऐसे में गांधी पढ़ लेते हैं तो फिर वो हमको वो पागल कर देता है कि सच सत्य 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 अहिंसा अहिंसा, और वो सत्य और अहिंसा पे इतना ज्यादा जोर देता है, सत्याग्रह पे इतना जोर देता है कि हम पगला से जाते हैं कि क्या सत्य और अहिंसा, क्या सत्याग्रह, उससे तो कुछ भी नहीं होना जाना है, सब कुछ तो उल्टा हो रहा है। फोटो गांधी जी की फिर नोट पे दिखती है तो और ज्यादा माथा कूदता है। गांधी से तो हम अलग हो ही नहीं सकते, किसी भी ऑफिस का फोटो देखेंगे तो गांधी रहेगा, चौराहा देखेंगे तो गांधी रहेंगे, नोट देखेंगे तो गांधी रहेंगे, किताबें देखेंगे तो गांधी रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में गांधीज्म आ जाएगा। तो वे तो क्या गांधी एक आदर्शवादी थे और उनके जो सिद्धांत हैं क्या उनको आम जिंदगी में फॉलो नहीं किया जा सकता, और उसको करेंगे तो क्या हम असफल हो जाएंगे? क्योंकि गांधी के बारे में ऐसा भ्रम है कि गांधी को जो फॉलो करेगा वो असफल हो जाएगा, वो जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर सकता। क्या आज की तारीख में आपको लगता है कि गांधी को फॉलो करते हुए राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है और किसी पद पर पहुंचा जा सकता है या जीवन यापन किया जा सकता है? या आप व्यापार कर रहे हो और गांधी को फॉलो करें और अपने व्यापार में सफलता भी पालें और एक दुकान से दो दुकान कर दें? दो गांधी तो खुद अपनी वकालत नहीं संभाल पाए थे क्योंकि वो पक्ष लेते थे गरीब आदमी का और कमजोर का, और जिस आदमी के पक्ष में गांधी खड़े होना चाहते थे वो फीस देने की स्थिति में नहीं था, उनको वकालत की फीस ही नहीं दे पाता। जो लोग वकालत की फीस जमा कर सकते हैं वो लोग बेकार थे, तो गांधी तो अपनी वकालत नहीं कर सकता। तो आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या झूठ बोले बिना बिजनेस संभव है? क्या झूठ बोले बिना राजनीति संभव है? क्या झूठ बोले बिना परीक्षा देना संभव है? परीक्षा में आप झूठ बोलेंगे कि नहीं, या परीक्षा सच में लिखेंगे, या परीक्षा में सब चीजें सच सच लिखेंगे? और सारी सच चीजें सच सच लिख लेंगे तो क्या आप पास हो जाएंगे? कॉपी चेक करने वाला अगर खतरनाक आदमी हुआ और वो ऐसा हुआ कि वो आपका अहित कर सकता है तो क्या सच लिखने से आप पास हो जाएंगे? तो आज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा है लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सच की क्या मानता है। आज हम एक दो आर्टिकल भी देखेंगे इसके ऊपर फिलोसॉफी। डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा कि उसको झूठ से बहुत प्यार था, यहां तक कि सच ये है कि वो चुनाव हार गया, लेकिन अभी भी उसको भी मानने को तैयार नहीं, अभी भी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं। कितना झूठ से प्यार था, जो कुछ भी नहीं था वो दिखाया गया। अच्छा, ये जो रास्ता है डोनाल्ड ट्रंप वाला, ये आप किसी भी जगह शांत पानी में आप पत्थर फेंक करके जैसे हिलोरे पैदा कर देते हैं, वैसे आप किसी भी समाज में ले जाकर के हिलोरे डाल सकते हैं। दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग अगर साथ साथ रह रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं तो आप उनके बीच में भ्रम डाल सकते हैं। लोग पति पत्नी के संबंध विच्छेद करा देते हैं, भाई भाई को अलग करवा देते हैं, भ्रम डाल देते हैं, भ्रम की दीवार बना देते हैं। बहुत आसान होता है नफरत पैदा करना, एक दूसरे से नफरत करवाना बहुत आसान काम। आपका दुश्मन है, मैंने आपको बताया था आपका दुश्मन है, और आपको लगता है कि वो बहुत फ्री है, खाली खाली सा है और बहुत उसको फुर्सत है,
और वो आपके काम में अड़ंगे अड़ाता रहता है, आप उसके घर परिवार के मामले में दखल दे दो। कुछ नहीं तो मैंने कहा कलेक्ट्रेट में जाकर के एक एप्लीकेशन डाल के आ जाओ, बंटवारे की, चार पांच भाई हैं, एक दो बहन है, ऐसे ही डाल के आ जाओ, एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें आवेदक की जगह आपने उसका नाम लिख दिया, टाइप कर दिया, कुछ भी साइन मार दिया, वो कोई कंफर्म करने नहीं जाता वहां से, वहां से संबंध जारी हो जाएंगे, उसको नोटिस चले जाएंगे। और चार लोगों को नोटिस जाएगा तो माथा ठनकेगा कि मतलब हमारे पास नोटिस भिजवा रहा है, अब आपको लगता है कि वो ये कंफर्म करने जाएगा ये नोटिस तुमने भिजवाया, नहीं, वो नफरत पैदा हो जाते। अच्छा नोटिस, मतलब सुबह तो हंस के बात कर रहा था और अभी नोटिस आ गया, अब देखता हूं मैं तेरे को, और वो गृह युद्ध छिड़ गया। बहुत आसान है, वो कंकर फेंकने जैसा है। अब देश में फेंकना है, देश में लड़ाई करवाना है, कोई झूठ मूठ का कोई भी चीज आरोपित करो, और बहुत अच्छा मीडिया है अब तो, सोशल मीडिया, इसमें नफरत पैदा करना बहुत आसान है और मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी होती है, रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी होती है, पैदा कर दीजिए, फैल जाएगा। तो यहां तक फैला, और ये चीज हिटलर के समय में भी हुई थी, उनके यहां पूरा एक मिनिस्टर था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, जो ये काम करता था, नफरत पैदा करता था। वियतनाम के समय में भी, अमेरिका वियतनाम का युद्ध हुआ था, तब भी अमेरिका को 15 साल तक यही विश्वास दिला जाता रहा कि हम सही कर रहे हैं, और फौज भेजनी पड़ी, वो तो स्टूडेंट्स ने उस समय में रिवोल्ट कर दिया, और अमेरिका के लोगों को सच्चाई बताई कि नहीं नहीं वियतनाम में हम हार भी रहे हैं, हमको नुकसान भी हो रहा है, और दुनिया थू थू भी कर रही है, तुमको पता ही नहीं है। कई बार 15-15 साल बाद पता चलता है कि गलत हो रहा था। अभी तक हिटलर के समय में जो हो रहा था जर्मनी के लोगों को आप याद दिलाओ, वो आंख नहीं मिला पाएंगे आपसे, आपसे आंख नहीं मिला सकते, हिटलर की याद दिलाओ, उनको शर्म आएगी उनको कि वो हिटलर के देश के हैं, यानी हिटलर उनके देश का है, आज वो बात ही नहीं करना चाहते उसके बारे में, हिटलर का नाम नहीं रखता कोई भी बच्चा, किसी बच्चे का नाम अब हिटलर के नाम पे है ही नहीं, जब इतना महान आदमी था तो फिर क्यों नहीं है, क्यों लोग अमेरिका जो है वियतनाम युद्ध को याद नहीं करना चाहता। लेकिन 2020 में तो उन्होंने उस झूठ से निजात पा ली, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों का क्या, वो कब तक इससे बाहर आएंगे, तो कितना झूठ है कितना सच है। तो खास करके जब आप पढ़ते हैं और आपके पास केस स्टडी है बहुत सारी, तब आपके पास एक तरह का सबूत है, एविडेंस है आपके पास। तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे, ऐसे बिजनेस देखे होंगे जो बहुत फलते फूलते हुए थे, यानी उनका बहुत बड़ा घर था, चार चार पांच पांच गाड़ियां थी, बहुत सारी दुकानें थी, फैक्ट्रियां थी, लेकिन अभी बहुत बुरी स्थिति में है, वो सब कुछ बिक गया है, हालत खराब है, एक दो ने आत्महत्या कर ली है घर में, बिजनेस बर्बाद हो गया है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों होता है ऐसा? गलत नीतियों के कारण होता है, गलत तरीके की वजह से होता है, गलत निर्णय लेने की वजह से होता है, किसी न किसी ने गलत निर्णय लिया, बाकी लोग उसका विरोध नहीं कर पाए और उस गलत निर्णय पे चलते गए एक दिन बर्बाद हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आदमी फल फूल गया और आगे बढ़ गया वो कभी पीछे नहीं जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आपने बैंक को डूबते हुए देखा होगा, उद्योगपति को डूबते हुए देखा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्रीज बिक जाती, हालत खराब हो जाती, क्योंकि कॉम्पिटिशन का जमाना है, नए नए लोग आते हैं, नई नई नीतियां लेके आते हैं, नए तरीके लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, नए विचार लेके आते हैं, कॉम्पिटिशन है। तो अपने आप को डायनेमिक रखना पड़ता है, अपने आप को नया बना के रखना पड़ता है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है, टिकना पड़ता है। तो कोई भी स्थिर पॉलिसी जो है वो नहीं चल पाती। कई सारे धर्म हैं जो अलोकप्रिय हो गए हैं, पहले बहुत लोकप्रिय धर्म हुआ करते थे लेकिन आज उतने लोकप्रिय नहीं। कई पंथ हैं, कई संप्रदाय हैं जो किसी समय में बहुत चले थे, खुद आर्य समाज एक समय में बहुत पॉपुलर था, अभी जो धर्मपाल जी की जिनकी डेथ हुई है, MDH मसाले वाले, वो खुद आर्य समाज ही थे,
लाला हंसराज, आर्य समाज थे, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना, पूरे भारत में जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का जो पूरा पुराना जो बृहद भारत है, ग्रेटर इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें डीएवी स्कूल्स थे, डीएवी कॉलेज थे, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज, कितना पॉपुलर था धर्म। आज आर्य समाज कितना सिकुड़ गया है, कितना सिमट गया है, कितने कम गांवों में उसकी शाखाएं मिलती हैं, एक समझ में कितना पॉपुलर। क्या कारण है कि वो उतने पॉपुलर नहीं रहे, तो विचार करना पड़ता है। जब संस्थाएं सिकुड़ती हैं, उद्योग सिकुड़ते हैं, विचारधाराएं सिकुड़ती हैं, विचारधाराएं भी सिकुड़ जाती है। आइडियोलॉजी भी तभी सस्टेन करती है जब वो सस्टेनेबल होती है, यानी कि उसमें डायनेमिज्म होता है, नए नए विचारों का वो स्वागत करती हो या समावेश करती हो या अपने आप को मॉडिफाई करती हो। जो रूपांतरित करना जानता है, जो मेटामॉर्फोसिस जानता है और जो ट्रांसफॉर्मेशन जानता है, वो सरवाइव करता है। जो रिजिड रहता है वो समाप्त हो जाता है, रिजिडिटी खत्म कर देते हैं। इसका मतलब रिजिड आप किसी भी चीज में हो, तो क्या सच के साथ रिजिड नहीं रहना चाहिए? तो आम जिंदगी में हम कितना सच बोलते हैं, या सच बोलने से हम कब कतराते हैं? कुछ लोग को आप अच्छा मान सकते हैं क्योंकि उन वो ऐसा मानते हैं कि सच बोलने से समस्या खड़ी होगी, कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा, इसलिए वो सच नहीं बोलता। जैसे कोई स्नान करके नहीं आया और मान लीजिए उसके शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन आपको फिर लगा कि इसको बोल देना चाहिए क्या तुम आज नहाए नहीं, तो बहुत मतलब उसको बुरा लग जाएगा, तो इस वजह से हम सच नहीं बोलते। कई बार इस वजह से हम सच नहीं बोलते क्योंकि ये बहुत कड़वा बात हो जाएगी, उसके लिए इंसल्टिंग हो जाएगा, पर बात तो सही है। अच्छा, कई लोगों को आप घरों में बुजुर्ग लोगों को और उनको देखते होंगे कि वो लोग बहुत बहुत फ्लैट होते हैं, वो किसी भी चीज को ऐसे ही बोल देते हैं, बहू को भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, बच्चे को भी बोल देते हैं, बड़े को भी बोल देते हैं, तुमने आज ये नहीं किया, तुम फलाने हो, तुम ये हो, और स्पष्ट और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। लेकिन क्या ऐसे लोग सक्सेस हैं, ऐसे लोग लोकप्रिय हैं? ऐसे लोगों को यदि सरपंच चुनना हो या गांव का प्रधान चुनना हो तो कोई चुनेगा? बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही परीक्षार्थी के लिए भी सच की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बदल जाएगी। अब द हिंदू में आर्टिकल आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, कहीं पर भी आर्टिकल आते हैं, तो वो आपको बहुत सच के नजदीक ले जाते हैं क्योंकि वो विचारक है, वो थिंकर है, वो एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट होने के नाते वो आपको पूरा नेकेड ट्रूथ बता देता है उस फील्ड का कि ये है, ये जो अभी हो रहा है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है इसमें ये खामी है और ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये निहायत बेवकूफी भरा कदम है। लेकिन क्या परीक्षा में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि निहायत बेवकूफी भरा कदम है? तो ये ठीक वैसे ही होगा कि नहा के नहीं आए तुम, आज बहुत बदबू आ रही है, तो फिर वो क्या रिएक्ट करेगा? फिर वो क्या आपको मार्क्स देगा? मान लीजिए वही आपका कॉपी चेक करो जिसको आपने बोला कि तुम नहाए नहीं, तो क्या वो कॉपी चेक करते समय आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा? नहीं, तुमने बिल्कुल सही बात बोली, वाकई में मैं नहीं नहाया, मतलब 10 में से 9 नंबर ले लो तुम आज। हो सकता है ऐसा, हो भी सकता है, लेकिन इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि वो आपको 4 नंबर दे या 0 भी पकड़ा, 0 तो नहीं देगा लेकिन 3-4 नंबर देगा 10 में से, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल गए। तो आपकी परीक्षा दूसरी परीक्षाओं जैसी नहीं है, आपकी परीक्षा प्रासंगिक परीक्षा रिलेवेंट होती है, किससे? समाज से। प्रसंगवश प्रश्न बनते हैं आपके, रिलेवेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रसंगवश बनते हैं। मॉब लिंचिंग का खूब चल रहा था पहले, 2 साल पहले तो मॉब लिंचिंग का क्वेश्चन आया, रोहिंग्या का, शरणार्थियों का बहुत चल रहा था तो उसका प्रश्न आ जाएगा, अभी किसानों के आंदोलन और ये सब चल रहे हैं तो इनका प्रश्न आ जाएगा। जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, जो कुछ आप होते हुए देख रहे हैं, उसी का प्रश्न आपको मिलेगा, वही प्रश्न आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या हम लोग एक्सपर्ट्स की तरफ जाएं या उन लोगों की तरफ जाएं, या फिर हम पॉलिटिशियंस को देखें कि ये पार्टीज को हम फॉलो करते हैं,
या इस पॉलिटिशियन को हम फॉलो करते हैं तो कहीं उसकी इमेज में गुस्तागी ना हो जाए। तो हमको क्या करना है, तो आज हम इस फिलॉसफी पे काम करेंगे, इस पे बात करेंगे। तो फिर मल्टीपल पर्सनालिटी वाला डिसऑर्डर ना हो जाए हमको। एक होता है ना मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी आदमी एक ही है उसी के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी होती, दिखता कुछ और है कुछ और, सोचता कुछ और है, लिखता कुछ और है, बोलता कुछ और है, वो खड़ा ना हो जाए समस्या। तो वो डिसऑर्डर हो गया तो फिर हम जो है पूरे डिप्लोमेट हो जाएंगे, हम पूरी तरह से पूरी जिंदगी में उसी तरह से रहेंगे। तो एग्जाम से और इसको बदलने के लिए आपको कुछ बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमारी बिल्कुल आधारभूत किताबें हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कुछ किताबें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से हमको वो पैरामीटर उठाने पड़ेंगे। क्योंकि आप जो शपथ लेंगे वो संविधान की शपथ लेंगे जॉब में जब आप जाएंगे, आप जो अपने पत्र होंगे वो प्रधानमंत्री या इसको संबोधित करते हुए नहीं लिखेंगे बल्कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखते हैं। लेकिन सच अलग है, संविधान बात बात में हर चीज हमको राष्ट्रपति के प्रति लिखते हुए बताता है। आपने जहां जहां पर भी संविधान में लिखा देखा है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो सच देखिए सच क्या है, सच में वाकई में भारत का राष्ट्रपति को भी नियुक्त करता है। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है? आपको लगता है कि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया होगा? राज्यपाल कौन बनाती है? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी नहीं बनाता, बल्कि कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी तो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन असलियत तो यही है। कौन होते हैं राज्यपाल? जिन्होंने पार्टी की सेवा की होती है। देश की सेवा करने वाले राज्यपाल होते हैं या पार्टी की सेवा करने वाले राज्यपाल होते हैं, अंदाज लगाओ। जो पार्टी के प्रति वफादार हैं वो राज्यपाल होते हैं, या फिर देश के प्रति वफादार होने वाले लोग? आप कहेंगे पार्टी और देश अलग थोड़ी है, फिर तो बात ही अलग हो गई, इसका मतलब तो आप समझा ही नहीं। तो पार्टी के प्रति वफादार होता है। तो ऐसे कितनी जगह संविधान में आता है, तो संविधान में ही अपने आप में सच और झूठ का वो हो गया। तो आप असली में थोड़ी लिख सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो पॉलिटिकल पार्टी का करा हुआ तमाशा, फालतू बात लिखी हुई है संविधान में, तो आप तो फेल हो जाएंगे। तो आपको ये समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपको, क्योंकि मैं आपको आर्टिकल जो पढ़ा रहा हूं बड़े खतरनाक है, एडिटोरियल जो मैं बता रहा हूं बहुत खतरनाक है, आपको खतरनाक आदमी बना देंगे। तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज को यूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे लोकप्रियता, क्योंकि आप प्रभावित होंगे लोकप्रियता से। लोकप्रिय कौन होता है? लोकप्रिय वो होता है कि सच लोकप्रिय होता है क्या? कभी कोई चीज सच है तो क्या वो लोकप्रिय हो जाती है? कभी कभी झूठ भी लोकप्रिय हो सकता है। किसी आदमी ने कोई बात रखी, उसके साथ किसी ने एग्री नहीं किया, तो वो व्यक्ति उस प्रकार की बात रखने से हिचकिचाता है, आगे से वो वैसी बात नहीं रखता। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसको समर्थन नहीं मिला। फिर किसी व्यक्ति ने कोई बात रखी, वो सच थी या झूठ थी वो कोई मायने नहीं रखता, कई बार झूठ भी। उसने जैसे ही बात रखी उसको सपोर्ट मिल गया, चार पांच लोगों का मिल गया, 10-15 लोगों का मिल गया, फिर सपोर्ट बढ़ गया। और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया, जो मैंने बताया फेक न्यूज, वो चल पड़ी, सपोर्ट मिलता गया, वायरल हो गई, गजब का सपोर्ट मिल गया।
वो ट्रुथ की तरह बिहेव करने लगती है, सत्य की तरह बिहेव करने लगती, जबकि वो झूठ है। यही हुआ है अमेरिका में और यही कई देशों में हो रहा है और भारत में भी यही हो रहा है। ढेरों तरह के झूठ जो है वो सच की तरह पेश किए जा रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं। अब उसको मानने वाले लोग इस आधार पर संतुष्ट होते हैं, वो इस आधार पर संतुष्ट नहीं होते कि ये सच है या झूठ है, वो इस आधार पर संतुष्ट होते हैं कि इसको देखो वो भी मान रहा है वो भी मान रहा है। मतलब हम बहुसंख्यक में, हम मेजोरिटी में, और हम बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये अपने आप में गरिमा का विषय होता है। ये डिग्निटी किस चीज की हो जाती है, एक तरह से वो गरिमा कैसे महसूस करने लगता है कि हम बहुत ज्यादा है इसको मानने वाले, और ये बवाल है। मतलब हम इतने सारे लोग इस चीज को मान रहे हैं और वो उस समूह का हिस्सा होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन क्या परीक्षार्थी उस समूह का हिस्सा हो सकता है? परीक्षार्थी को भी उस समूह का हिस्सा हो जाना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें यह टेस्ट किया जा रहा हो कि आप सबों का हिस्सा है कि नहीं? डेफिनेटली नहीं आता ऐसा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो सैद्धांतिक ज्यादा होते हैं, व्यावहारिक कम होते हैं। सैद्धांतिक प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं। लेकिन फोर्थ पेपर में लिखते समय में आपको व्यावहारिक पक्ष लिखना पड़ता है। फोर्थ पेपर पूरा पूरा व्यावहारिक है, सैद्धांतिक नहीं है। सिद्धांतिक है वो भी 40%, लेकिन आपको व्यवहारिक उदाहरण देना पड़ता है, और जितना व्यवहार में संभव है वैसे ही लिख सकते हैं। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार का आंसर नहीं लिख दोगे कि मैं मेरे जिले में भ्रष्टाचार 0% कर दूंगा। हर जगह लिखेंगे जितना संभव होगा मैं प्रयास करूंगा और मैं भ्रष्टाचार को कम से कम करने की कोशिश करूंगा, भ्रष्टाचार पर निगाह रखूंगा, और भ्रष्ट अधिकारियों को मैं हटा दूंगा, और एक भी भ्रष्ट अधिकारी मेरे कार्यकाल में नहीं होगा या कार्यालय में नहीं होगा, ये नहीं आप नहीं लिख सकते। मैं कार्यवाही करूंगा भ्रष्टाचारियों के ऊपर, आप ये लिख सकते। तो एकदम आदर्श कंडीशन में आप नहीं ले जाते। लेकिन जो लोकप्रिय है और जिस समाज में आप रहते हैं उसके आसपास का वातावरण कैसा है, जिन चीजों की लोकप्रियता है क्या वो सच है, क्या वो संविधान के हिसाब से है, क्या जो मूल्य आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, पॉलिटी में पढ़ते हो या हिस्ट्री में पढ़ते हो, स्वतंत्रता संघर्ष के समय हमारे जो सेनानी थे उनके जो आदर्श थे, उस समय में जो वंदे मातरम और तिरंगे झंडे के साथ जो आदर्श पेश किए गए थे या प्रस्तावना में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, क्या उन आदर्शों के हिसाब से अभी कुछ हो रहा है या फिर बदल दिया जा रहा है? और बदल दिया जा रहा है तो क्या बदला हुआ अच्छी चीज है? और अभी तक जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के क्या अच्छे परिणाम आए हैं, या और वेट करना चाहेंगे, और इंतजार करना चाहेंगे? ठीक है, और इंतजार कर लीजिए, लेकिन वही पूत के पैर पालने में नजर आते हैं, बोलते हैं ना कहावत है, तो क्या वैसा कुछ दिख रहा है पालने में, कुछ नजर भी आ रहा है कि नहीं पैर में? नहीं आ रहा है तो फिर प्रिकर्सर होगा उसी का, तो फिर परिणाम निकलेगा उसी से तो फल आएंगे, तो प्रिकर्सर से भी तो अंदाजा लगता है। तो जो नीतियां हैं, जो दिशा है, जो विचारधारा है, जो विचार है, या फिर ट्रायल एंड एरर चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और ट्रायल एंड एरर चल रहा है तो वो जीवित मनुष्यों के साथ चल रहा है, जैसा क्लोरोक्विन के मामले में ट्रंप कर रहा था, इधर पेंडेमिक आया था और उसने कहा ये मिरेकल की तरह गायब हो जाएगा, कैसे बोलता था वो, ये सब
रातों रात जादू की तरह गायब हो जाएगा, 2.5 लाख लोग मर गए वहां। और जो चिकित्सा व्यवस्था में सबसे दुनिया में नंबर एक माना जाता था, उसका अपना एक अहंकार था। इनका कि ये खा लो, ये पी लो, ऐसा कर लो, वैसे कर लो, ठीक हो जाओगे। यानी कि कोई डॉक्टर गाइड नहीं कर रहा था, वो सीडीसी नहीं कर रहा था, WHO नहीं कर रहा, WHO की फंडिंग बंद कर दी उसने, WHO की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा था, वो ट्रंप की गाइडलाइन थी अपनी। अब तो क्या ट्रंप कोई डॉक्टर है? पनिश हुआ ना वो, पर उतना पनिश भी नहीं हुआ क्योंकि 7 करोड़ वोट तो ले गया। पनिशमेंट तो तब होता है जब उसके पास 3-4 करोड़ वोट होते या 2 करोड़ होते, बहुत बुरी तरह से हारता। बहुत बुरी तरह से तो अभी भी नहीं हारा वो। तो इस क्या होता है कि जब कोई चीज लोकप्रिय हो जाती है, झूठ जब लोकप्रिय हो जाता है, तो खुद झूठ बोलने वाले को, झूठ को संचालित करने वाले को, फैलाने वाले को भी बहुत मजा आता है, और उसको खुद को भी अच्छा लगने लगता है, और उसको कोई गिल्टी और किसी प्रकार का कोई शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती उसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज है कि उसको फॉलो करने वाले में भी नहीं होती, यानी झूठ से किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं। झूठ को स्वीकार करने में, झूठ को फैलाने में, झूठ को बताने में कोई शर्म नहीं, कोई परहेज नहीं। ठीक है, उसके कुछ हिडन एजेंडा होंगे, कुछ इंटरेस्ट होंगे हिडन, इसलिए उसको कोई परहेज नहीं है। उसको कोई, वो व्यक्ति ऐसा है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं। आपने चोर बाजार के बारे में सुना होगा कि ये चोर मार्केट है, ये ऐसा मार्केट है कि जहां लूटा जाता है। तो मार्केट में खड़े होने वाले भी मुस्कुरा करके लूटते हैं, और लुटवाने वाले भी लुटवाते हैं अपने आप को। वो जाते ही इसलिए कि मुझे लूटा जाएगा। ऐसे मार्केट है दुनिया में। आप उसकी नैतिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मार्केट में कैसे लोग जाते हैं, उस समय वो कैसा समुदाय होगा। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बदनाम होते हैं ठगी के लिए, या ठगी होती है, या बेवकूफ बनाया जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी। खुद ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय में शर्त रखी गई थी कि यहां कोई सच नहीं बोलेगा, यहां कोई नैतिकता पे भाषण नहीं देगा, यहां कोई न्याय की बात नहीं करेगा, यहां कोई इक्वल जस्टिफिकेशन और इगलिटेरियन सोसाइटी की बात नहीं करेगा। यहां कोई, उस समय कम्युनिज्म और वो सब तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत पहले पूंजीवाद का एक मॉडल जो है वो बना के रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। यहां हम आते हैं जुआ खेलने के लिए, ये एक क्लब है। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में एक क्लब था जिसमें महारानी भी उसकी मेंबर थी, महारानी भी मेंबर थी। और क्या करना चाह रहे थे उस क्लब में? उस क्लब का उद्देश्य था जुआ खेलना, शराब पीना, झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, उसको भी प्लानिंग करना। और ठीक उसी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं वो था क्लाइव। क्लाइव को चतुर राजनीतिक भी माना गया है, जनरल भी माना जाता है, धूर्त। चतुर शब्द तो थोड़ा सा अच्छा शब्द होता है, धूर्त कह सकते, एकदम धूर्त व्यक्तियों की संस्था थी वो। और धूर्तता जिसके अंदर कूट कूट के भरी है वो था क्लाइव। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पसंदीदा व्यक्ति था, और बाद में उसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आना पड़ा। तो आप 1600 में देख सकते हैं महारानी चार्टर के द्वारा, एक राजाज्ञा के द्वारा एक कंपनी बना रही है, और शर्त क्या रख रही है कि इस क्लब में आने के बाद कोई नैतिकता की बात मत करना, और यहां आके कोई मत सिखाना कि ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है, और ये तो धूर्तता है। अगर ऐसे उपदेश तुम्हारे तो घर रहना, इस क्लब में आने की जरूरत नहीं। यहां तो आपको शराब पीना है, एक से एक धूर्त आइडिया बताने हैं, कंपनी को कैसे प्रॉफिट होगा ये बताना है। कमाल है मतलब। और वो ब्रिटेन जो मैग्ना कार्टा लेके आया था, वो ब्रिटेन जो सबसे पहले राज्य के अधीन ही लोकतंत्र की बात करता था, राजा के अधीन था लेकिन फिर भी काफी हद तक लोकतंत्र की बात करता था, उस जमाने में शराफत की बात करता था, उसके गेम को जेंटलमैन गेम कहा जाता था, क्रिकेट कहा जाता था, ये सभ्य व्यक्तियों का खेल है और इसमें बेईमानी नहीं चलेगी। वो ब्रिटेन
अपने यहां पहली बार कानूनी रूप से अगर कोई संस्था बनाता है, क्लब बनाता है, उसका नाम वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखता है, और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आप अपेक्षा करेंगे कि वो यहां लूट नहीं मचाएगा? वो तो लूट मचाएगा, उसने बंगाल में कितनी लूट मचाई और कितना खोखला कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग समूह में नहीं होते, ऐसे लोग इकट्ठे नहीं होते, ढेरों लोग तरह तरह के क्लब बनाते हैं, मनोरंजन बनाते हैं। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो जुए, जो अय्याशी के लिए जाने जाते हैं, जुआ के लिए जाने जाते हैं, शराब के लिए जाने जाते हैं, शहर है ऐसे बहुत सारे जहां लोग जाते ही इसलिए क्योंकि उनको वहां अय्याशी करना है, शराब पीना है, जुआ खेलना है, इसके लिए प्रसिद्ध है वो शहर। इसका मतलब लोकप्रियता तो किसी भी चीज की हो सकती है, गलत लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं, किसी भी चीज को लोकप्रिय बना सकते हैं। क्या परीक्षाएं इस आधार पर होंगी? क्या हम परीक्षार्थी होने के नाते इस आधार पर सोचेंगे कि वो चीज लोकप्रिय है, या हमारे सोचने के कुछ आधार होंगे? तो हमारे सोचने के क्या आधार होंगे, हमारे लिखने के क्या आधार होंगे? तो ये समय आ गया है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा आप मीडिया जो देखते हैं आप, तो वो पूरा पूरा बिका हुआ सा लगता है। फिर आप कहेंगे बिक गया तो ये सही नहीं है क्या? ये सही है ना, तो वो परफेक्ट है ना ये परफेक्ट है, लेकिन आपको तो किताब के हिसाब से चलना है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन जब इंदिरा गांधी करती है तो उसको भी ब्लैक चैप्टर माना जाता है, उसको भी बेकार समय माना जाता है। इमरजेंसी को कोई भी अच्छा नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तब भी बुरा माना जाएगा, एक व्यक्ति के लिए तो मापदंड है नहीं। पूरी दुनिया में यदि हिटलर ऐसा करता है तो भी उसके ऊपर थू-थू होगी, और ट्रंप ऐसा करता है तो भी थू-थू होगी, और शी जिनपिंग करेगा तो उसके ऊपर भी होगी। इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास बड़ी बेरहमी से लिखा जाता है, उसमें किसी को माफ नहीं किया जाता, उसमें एक्सक्यूज भी नहीं होते, बहाने भी नहीं होते। तो महाभारत जब लिखा जाता है तो भीष्म पितामह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी शपथ भी बहुत जबरदस्त थी, मातृभक्त भी थे, पितृभक्त भी थे, सब कुछ थे। तो भीष्म पितामह बड़ा अजीब कैरेक्टर है, सब लोग उसका सम्मान भी करते हैं उस कैरेक्टर का, और उसको गाली भी देते। तो उस कैरेक्टर का सम्मान भी और उस कैरेक्टर को उतनी गाली भी। क्या है उस कैरेक्टर में? उस कैरेक्टर में यह है कि वो जिस समय बोलना चाहिए था उस समय में नहीं बोला, जिस समय जो करना चाहिए था उसने उस समय में नहीं किया। ये थोड़ी सी कमी आ गई, इस वजह से इतिहास ने उसको कहां खड़ा कर दिया? विलेन वाली लाइन में जाके खड़ा कर, हारी हुई टीम में हो गया वो। अन्याय जो करता था, झूठ जो बोलता था, षड्यंत्र जो करता था, उसमें जाके खड़ा हो गया। और कृष्ण को भगवान मानते हम लोग, तो कृष्ण किधर है? न्याय की तरफ है, धर्म की तरफ है। षड्यंत्र वो भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके हर चीज से खुशबू आती है, उसके प्रति जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है बड़ा सकारात्मक दिखाई पड़ता है। और कृष्ण के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, पांडवों के प्रति सिंपैथी आती है, सद्भावना पैदा होती है। पांडवों के प्रति मैं श्रद्धा शब्द नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। और सद्भावना और सिंपैथी किसके प्रति होती है? कौरवों की तरफ क्यों नहीं होती, जबकि कौरवों में भी एक से एक व्यक्ति है, दानवीर है कर्ण के रूप में। तो ये कहानी इतिहास है हमारा, ये कितना सच है कितना झूठ है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जो कहानी है महाभारत जो है वो हमें सिखाती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और उचित समय पर कौन सा कर्म करना चाहिए। क्योंकि जो लोग, जब कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है और जब कुछ गलत हो रहा होता है, तब जो लोग तटस्थ रहते हैं या फिर चुप रहते हैं, इतिहास उनका भी लिखा जाता है और इतिहास उन्हें माफ नहीं करता कभी भी। तो ये तो हुई नैतिकता वाली बात, लेकिन एग्जाम पे आते हैं, अब एग्जाम पे आ जाते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करें?
तो प्रैक्टिकली सबसे बड़ी किताब जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे सारे के सारे पेपर हमारा इंटरव्यू, हमारे सारे मेंस के पेपर, इंटरव्यू प्रीलिम्स के पेपर कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए हर चीज जो हम लिखे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। दूसरे चीज, अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने सबसे पहले किताब के रूप में लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मार्ग निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमारे प्रीएम्बल में है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन की शिक्षाएं हर पेज पे दी हुई है, लेकिन उन सबको भी समेटना संभव नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें, हम लोग केवल प्रस्तावना को पकड़ लें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का भाव आ जाएगा। जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या कोई भी हवन करते हैं या कोई कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर एक भाव होता है, खास करके गायत्री मंत्र के अंदर होता है। तमाम क्रिया होती हैं, कर्मकांड होते हैं, तमाम चीजें, लेकिन उसके पीछे एक ही भाव होता है, सद्बुद्धि की प्रार्थना। तो धार्मिक रूप से जब हम गायत्री मंत्र के साथ में सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, तो फिर संविधान के समय में हम क्या प्रार्थना करते हैं, संविधान पढ़ते समय में या संविधान को लिखते समय में या संविधान के बारे में जब प्रश्न आते हैं या कोई भी प्रश्न आता है, हमारी इकोनॉमी भी वहीं जाएगी, तो फिर हमको क्या सोचना है, किस तरह से बात करनी है। तो संवैधानिक, जब हम संवैधानिक हो जाते हैं तो हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, सिलेक्टिव हो जाती। जब आप कॉरपोरेट को आगे देने की बात करते हो, कॉरपोरेट को बैंक खोलने की बात करते हो, कॉरपोरेट को आप सुविधाएं देने की बात करते हो, या कॉरपोरेट को आप बोलते हो कि आप खेती में आ जाओ, और कृषि कानून में जिस तरह से वो मना कर रहे हैं कॉरपोरेट को नहीं लाना चाहिए, तब वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं है। अब मोदी जी जिस तरह से बोलते हैं कि संविधान की वजह से मैं यहाँ हूं, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता, कोई ना कोई राजा महाराजा होते या फिर पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे होते, क्योंकि वंशवाद होता और वंशवाद का ही कोई व्यक्ति यहां बैठा होता। और चूंकि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरे माता पिता में से तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और मैं यहां पहुंचा हूं तो मैं तो संविधान की वजह से पहुंचा हूं, क्योंकि संविधान ने ही व्यवस्था दे रखी कि कोई भी नागरिक जो है वो प्रमुख पद पर पहुंच सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि संविधान आपने समझा और संविधान को माना, और पर आप ही के मंत्री और आप ही की टीम कृषि कानून भी तो बना रही है, आप ही लोग कॉरपोरेट सेक्टर को बैंक रिजर्व बैंक को बोल रहे हैं ना कि अनुमति दो इनको। तो संविधान में तो मूल भावना ये भी है कि आप संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देंगे, और किसी एक वर्ग विशेष को, और जो इस देश का सबसे क्रिमिलेयर वाला पार्ट है या यूं कहें कि उद्योगपति हैं, उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे, खास करके वो अपने बल पे। हमारे यहाँ तो ओपन सभी के लिए कॉम्पिटिशन है, तो अडानी अंबानी भी कंपटीशन में आ जाएं और आगे बढ़े, आप सपोर्ट क्यों करते हो? दूसरे लोग जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं वो भी बढ़े, दूसरे लोगों को जैसे स्पेक्ट्रम बेचा जा रहा है वैसा उनको बेचा जाए, दूसरे लोग जिस प्रकार से मंडी के अलावा माल खरीद लेते हैं वैसे वो भी अपना चौपाल लगाए। आईटीसी बहुत पहले है प्राइवेट सेक्टर वाला, ऐसा तो है नहीं प्राइवेट सेक्टर पहले आया नहीं है, तो आईटीसी ई चौपाल लगाया, वैसे आप भी अपना ई चौपाल लगा लो, रिलायंस वाला अपना ई चौपाल लगाया, और फिर किसान उसमें जाके बेचे। आप इतनी अच्छी सुविधाएं किसान को दो, उनकी आवभगत इतने अच्छे से करो, उनके रुकने की खाने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से करो, उनका मॉल बहुत अच्छे से बनाओ कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपके यहां माल बेचने के लिए आए। ये कॉम्पिटिशन तो बिना उसके भी खुला हुआ है, इन कानूनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आईटीसी आया है ना पहले, और भी तो आए हैं पहले, लेकिन वो बना ही नहीं पाए पैरेलल ऐसी व्यवस्था, क्योंकि एपीएमसी मंडीज ने जो पिछले 50-60 सालों में 70 सालों में जो डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट आपके पास है नहीं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना नहीं पाएंगे। तो आप उनके लिए सुविधाएं कर रहे हैं कि इसको बंद करो एक तरह से, और
इनको प्रमोट करो, बैंकिंग में इनको रोको और इनको प्रमोट करो, बीएसएनएल को रोको और इसको प्रमोट करो, वो तो एयर इंडिया बिका नहीं, उसको लगा कहीं इनके फालतू का झंझट है, सफेद आती है। आप पेट्रोलियम कंपनी नहीं बेच पाए अपनी, 25% पेट्रोल डीजल बेचती है, ऑयल बेचती है, बेच ही नहीं पा रहे उसको, पता नहीं क्यों नहीं खरीद रहे कोई। रेलवे का निजीकरण किया लेकिन वो ट्रेन सक्सेस नहीं हुई क्योंकि वो उसमें कोई बैठा ही नहीं, बहुत महंगी है। तो आप पर आपकी नियत जो है वो तो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान तो अलग कहता है, संविधान का आर्टिकल 39 तो बिल्कुल अलग बात करता है, नीति निदेशक तत्व के खिलाफ जाकर के आप काम कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हुआ, तो इसलिए आप सुझाव के तौर पे आप दे सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, असंवैधानिक है और कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा के खिलाफ। तो किताब के हिसाब से आप चलोगे तो भी सच बोलना आ जाएगा, और अधिकांश लोग जो अभी सच बोल रहे हैं मीडिया में अगर कोई उजागर कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रहा है। फिर आप कहोगे नहीं लोकप्रिय तो नहीं है ये वाला मत, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा किसने है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते कितने कम लोग हैं, कि आपको कितने प्रतिशत लोगों का लगता है कि इस देश के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इस रूप में जानते होंगे कि वो फंडामेंटल। आप तो पढ़ के निकले हुए ना, आप तो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ के निकल गए, छोटी छोटी क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन था, तो क्या कुछ समझ में आया या सिविल सर्विसेज की थोड़ी तैयारी के दौरान समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो तो अभी आया समझ में, पहले तो कुछ आया नहीं। तो इतनी तैयारी कौन करता होगा, 10 लाख लोग करते होंगे, 20 लाख करते होंगे, 1 करोड़ करते होंगे, 10 करोड़ करते होंगे, 20 करोड़ करते होंगे, 100 करोड़ लोगों ने तो नहीं की, 100 करोड़ लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस रूप में नहीं जानते, 30 करोड़ जानते होंगे, 37 करोड़ आप और जोड़ लीजिए, बचे हुए 100 करोड़ लोग तो नहीं जानते ना, तो बहुमत तो वहीं से तैयार होगा, उनको तो लगेगा कि ये जो चीज हो रही है ये बिल्कुल सही चीज हो रही है, ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जबकि ये तो सही नहीं है, जबकि वो लोकप्रिय है, जो सही नहीं है वो लोकप्रिय है, जो झूठ है वो लोकप्रिय है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो लोकप्रिय है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नहीं है, जो झूठ है, जो गलत है, जो अहितकर है, जो खतरनाक है, विदेश नीति में चलते हैं, ट्रंप का साथ देना, ट्रंप के साथ देने के लिए हम इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि हमने परंपरागत मित्र ईरान को शत्रु बना लिया एक तरह से। ईरान वाला ये कह रहा है कि इजराइल जो है वो हमारे यहां आकर के हमारे पोस्ट होल्डर्स को मार देता है। आपने देखा सुलेमानी की हत्या हो गई, अभी इसकी हो गई परमाणु वैज्ञानिक की, तो और कई सारे वैज्ञानिक मारे गए जो एटॉमिक रिसर्च कर रहे थे। तो हमारे ही देश में आकर के, हमारी राजधानी में आकर के, हमारे जगहों पर आकर के, हमारी टेरिटरी में आकर के, जो सोवरेन टेरिटरी है कंट्री के नाते है, उसमें इजराइल आता है और अमेरिका की शय पे, और खास करके ट्रंप की मदद से, ट्रंप के आने के बाद वो हमारे आदमी को मार देता है। और आप तो हमारे परंपरागत दोस्त हो, जब चीन ग्वादर में पाकिस्तान के साथ पोर्ट बना रहा है तो हमने आपको चाबहार का मौका दिया, आपने हमारे साथ समझौता किया और हम आपको चाबहार बनाने दे रहे हैं, पाइपलाइन में हम आपके साथ जुड़ते हैं, ऑयल आप हमसे ले रहे हो, सांस्कृतिक संबंध हमारे हैं, एजुकेशनल रिलेशन हमारे हैं, P2P एग्रीमेंट हमारे साथ हो रहा है, और हम आपके पारंपरिक दोस्त हैं, लेकिन एक शब्द तो बोलो, क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या हमारी टेरिटरी में आकर के कोई मार डाले किसी को, हमारे नेता को, हमारे वैज्ञानिक को, हमारे मिलिट्री जनरल को, अगर कोई आकर के हत्या कर देता है, हमला करता है, तो आप एक शब्द नहीं बोल सकते कि ये ठीक नहीं हुआ? क्यों आप इसराइल को इतना खुश करना चाहते हो? अच्छा, ये खुश जो है आप इसराइल को करना चाहते हो,
तो इसराइल ने आपको क्या दिया? ट्रंप दिया। ट्रंप की दोस्ती है ना आपकी, तो ट्रंप की दोस्ती में आप इतने अंधे हो गए कि आप, और एक तरफ आप बात करते हो कि टेररिज्म जो है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकता, सभी प्रकार के आतंकवाद बेकार है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता, दुनिया भर में जाकर के प्रवचन देते हो, संयुक्त राष्ट्र में जाकर के लेक्चर देते हो टेररिज्म के ऊपर, तो क्या ये टेररिज्म नहीं है कि किसी दूसरे देश के लोग आए और यहां आकर के मार के चले जाएं? क्या ये आतंकवाद नहीं है? तो ये जो आपका चयनात्मक तरीका है ना सिलेक्टिव, ये फॉरेन पॉलिसी में हमने परंपरागत दोस्त खो रहे हैं। JCPOA किसने बनाया था? ओबामा ने। और ट्रंप ने आकर के उस, ट्रंप की जिद है कि मैं ईरान को बर्बाद करके रहूंगा, उसके लिए उसने इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती की। मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आपको आर्टिकल। सऊदी अरब सुन्नी कंट्री है, ईरान शिया कंट्री है। ईरान में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं, उसके बाद भारत है दूसरे नंबर पे जहां शिया मुसलमान सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारी एक स्वाभाविक दोस्ती है शियाओं के कारण। सऊदी अरब एक सुन्नी कंट्री है और इसराइल की और सऊदी अरब की दोस्ती जो है वो किसने कराई? अमेरिका ने कराई, खास करके ट्रंप ने। और दुश्मनी किस लिए? ईरान को सबक सिखाने के लिए। तो हम तो पैलेस्टाइन के मित्र थे, यासिर अराफात इंदिरा गांधी को कितना मानते थे और वो उनको एक तरह से भाई कहते थे, चलो आप यरूशलम से दोस्ती कर लो, यानी कि तेल अबीब से कर लो, यानी कि इसराइल से कर लो। पूरी दुनिया उसको इंटरनेशनल टेरिटरी मानती है, इंटरनेशनल सिटी मानती है यरूशलम को, पूरी दुनिया। पोप भी मानते हैं, ब्रिटेन मानता है, अमेरिका भी मानता था, ओबामा भी मानते थे, जबकि इसराइल दोस्त था। लेकिन ट्रंप ने आके कहा यरूशलम कैपिटल है इनका, इसराइल का, इंटरनेशनल सिटी नहीं, जबकि वो इंटरनेशनल टेरिटरी था। और उसने कहा ये इनका सिटी है और ये इनका दोस्त है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब कैसे दोस्त हो गया? तो क्या खाड़ी देशों के साथ हमने जो ये रिलेशन चेंज किए, इसमें हमने खोया क्या और पाया क्या? क्योंकि अमेरिका ने तो कहा कि ईरान से तुम कुछ भी नहीं खरीदोगे, इसराइल इसका दोस्त होगा और हम ईरान को सबक सिखाएंगे। JCPOA खत्म कर दिया और उनके लोग आकर के यहां सब लोगों को मार रहे हैं। ईरान चिल्ला रहा, भाई तुम तो हमारे दोस्त थे, तेल खरीदना बंद किया अमेरिका के कहने पर, वो ठीक है, लेकिन आतंकवाद की बुराई तो कर दो। तो भारत में जब कभी आतंकवादी घटना होगी तो अब ईरान से सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी? तो ये जो नीतियां हैं हमारी, क्या ये नीतियां कॉन्स्टिट्यूशनल हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल में यही बातें लिखी हुई हैं क्या? क्या ये भाव भरा हुआ है क्या कहीं, कि आप इतने सिलेक्टिव हो जाओ? फिर चाइना के साथ दोस्ती की और वो झूला झूले, फिर हुआ क्या? मैं बता रहा था कल वाले लेक्चर में, बॉर्डर पे देख लो, उसने पूरे बॉर्डर को एक्टिव कर दिया है, तो सब कुछ तो फेल हो रहा है, सारा सब कुछ फेल हो रहा है। क्वाड में हम हैं, लेकिन क्या वो पूरी तरह से क्वाड के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, वो दोनों तो चाइना के साथ हैं फिर दूसरे रिलेशंस में, तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे या बिजनेस के लिए फिर चाइना को सपोर्ट करेंगे? और हम यहां इतरा रहे हैं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है हमें सपोर्ट करेंगे। तो विदेश नीति की जो बिल्कुल बेसिक समझ है वो है कि नहीं? प्राइमरी एजुकेशन भी है कि नहीं है? मुझे तो लगता है नर्सरी वाली भी दिक्कत आ रही, बहुत बुरी हालत है, सच्चाई से बहुत दूर है हमारी विदेश नीति, सच्चाई से बहुत दूर है हमारे यहाँ के इनेक्टमेंट सारे के सारे, खास करके पिछले 5-6 सालों में जो हुए। सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट और चुनाव इलेक्शन मैनेजमेंट, इसके सिवा और कुछ नहीं है, ये दिक्कत है। और इसको आपको सुझाव के तौर पे लिखना पड़ेगा, आप क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सुझाव के तौर पे लिखना पड़ेगा, सजेशंस देना पड़ेंगे। इसलिए मैंने बताया था आपको कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए आप कुछ बेसिक बुक्स को पकड़िए,
स्वतंत्रता संघर्ष की किताबें पढ़िए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़नी है, विपिन चंद्रा पढ़िए, बीएल ग्रोवर पढ़िए, गांधी पढ़िए, गांधी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी आते हैं, और फिर वही बुद्ध महावीर और वही सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। आपको इस्लाम पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कुरान शरीफ पढ़ने के लिए और हदीस और वो सब पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप मुगलों को पढ़िए, मुगलों के प्रश्न भी बहुत कम आते हैं, मुगलों के प्रश्न भी नहीं आते, लेकिन आप तो भक्ति काल को पढ़ लीजिए, मीराबाई को ही पढ़ लीजिए, रैदास को पढ़ लीजिए, आप कबीरदास को पढ़ लीजिए, आप ज्ञानेश्वर को पढ़ लीजिए, आप नामदेव को पढ़ लीजिए, इस देश की संत परंपरा को पढ़ लीजिए, इस देश के रेनेसा को पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, वो क्या कहते हैं विदेश नीति और इन सब चीजों के बारे में, भगत सिंह को पढ़ लीजिए, गांधी को पढ़ लीजिए, हम सबकी बात कर, ये इस देश का प्राण है। तो आपको अभी की नीतियां सारी समझ में आ जाएंगी कि वो नीतियां कहां जा रही, ना वो युगानुकूल है, ना वो साइंटिफिक है, ना उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ना इस युग के अनुरूप है, ना वो इकोनॉमिक स्मार्टनेस है, आर्थिक जो स्मार्टनेस है वो भी नहीं है, उसमें भी बोंदू है, बुरी हालत है जीडीपी की, बुरी हालत है इंपोर्ट, बुरी हालत है एक्सपोर्ट की, डब्ल्यूटीओ से जुड़े मुद्दों में वकालत करने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक हितों की बात हो, तो आपको सारी चीजों में समझ में आ जाएगी। एनवायरमेंट के मामले में भी बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो अभी इन दिनों में डाइल्यूट किए गए हैं। एनजीटी की क्या हाल है, देखिए कहां चला गया एनजीटी, रोज खबरों में रहता था, रोज एक खबर होती थी आज से 7-8 साल पहले, आज उसने ये किया, आज उसने ये किया, एनजीटी की हालत खराब है। पर्यावरणीय कानूनों की क्या स्थिति है, पर्यावरण की क्या स्थिति है, व्यापार की क्या स्थिति है, तो बहुत बुरी हालत है। लेकिन क्या कोई दूसरी सरकार होती तो बढ़िया हालत होती, नहीं ये भी नहीं कह सकते कि दूसरी सरकार होती तो बढ़िया हालत होती। अल्टरनेट के तौर पर बात नहीं कर रहे हम, पॉलिटिकल अल्टरनेट की बात नहीं कर रहे, लेकिन परीक्षार्थी के तौर पे आपको हालात पे नजर भी घुमाने हैं और सच लिखने का जो तरीका है वो आपको सीखना है। तो सच को सुझाव के तौर पे देखना है और किताबों के एंडल से देखना है। सच लिखना है तो ऊपर लिख देना विवेकानंद के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, आपको अपने अनुसार सच नहीं लिखना है, नहीं तो पकड़ा जाओगे। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा है। अब कुछ लोग बदनाम हो गए हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स लिखोगे तो फिर, एक समय ऐसा था जब कार्ल मार्क्स लिखने से मार्क्स मिलते थे, आज की तारीख में यदि कार्ल मार्क्स का नाम लिख दोगे और बोलोगे उसके अनुसार, अच्छा मतलब अब तुम कार्ल मार्क्स का हमको बताओगे, तो वो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से नहीं लिखना, लेनिन के हिसाब से नहीं लिखना, उनको छोड़ दो, तो हिटलर के हिसाब से मत लिखना, नहीं तो फिर उसमें फिर समझ में आ जाएगी तो फिर नाराज हो जाएंगे, हिटलर भी निगेटिव हो जाएगी। ना तो अच्छे व्यक्ति के हिसाब से लिखना है, ना बुरे व्यक्ति के हिसाब से लिखना है, जो व्यक्ति समझ में नहीं आता है उनके हिसाब से लिखना है। जो गांधी समझ में नहीं आते, विवेकानंद समझ में नहीं आते, क्योंकि विवेकानंद की पॉलिसी पता नहीं है, उनका लिख देना, भगत सिंह का लिख देना, सुभाष चंद्र बोस का लिख देना, क्योंकि वो समझ में नहीं, सरदार पटेल का लिख देना, सरदार पटेल के वो भक्त बने जा रहे हैं, उनको पता नहीं है सरदार पटेल कितने खतरनाक आदमी, वो नेहरू से तो ज्यादा ही खतरनाक थे, ज्यादा ही एंटी थे। अभी जो व्यवस्था चल रही है उससे सबसे ज्यादा गुस्सा, अगर हम स्वर्ग में और उसमें विश्वास करें और पुनर्जन्म में विश्वास करें या परलोक में विश्वास करें कि आत्माएं रहती हैं, तो सबसे ज्यादा आत्मा जो है वो सरदार पटेल की कल्प रही होगी,
नेहरू के उतने नहीं कलप रही होगी, क्योंकि कुकर्म जो हो रहे हैं, दुष्कर्म, ये राजनीतिक दुष्कर्म हो रहे हैं, ये राजनीतिक दुष्कर्म पटेल के नाम पे हो रहे हैं, तो और खतरनाक है वो, और ज्यादा बुरी स्थिति है। मैं इसलिए इस बातों इन बातों को इसलिए कहता हूं क्योंकि चीजें रिकॉर्ड पर रहेंगी, और चुप रह करके जो है इतिहास में आप बहुत बुरी स्थिति में जाते हैं। तो मैं शिक्षक होने के नाते ये विचार व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को सलाह देता हूं, आप लोगों को सुझाव देता हूं कि सत्य को इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता। सत्य को लिखने का कुछ तरीका है, अकॉर्डिंग टू करके लिखिए, कोटेशन के साथ लिखिए, आंकड़ों के साथ लिखिए, रिपोर्ट के साथ लिखिए, ये रिपोर्ट ये कहती है, ये आंकड़े ये कहते हैं, इस वर्ष का सर्वे ये कहता है, ये सरकारी एजेंसी ने ये कहा है, और दूसरे देशों के उदाहरण देकर के लिखिए, केस स्टडी देकर के लिखिए कि उस देश ने इस पर चल करके ये हश्र हुआ है उसका, तो हम इस पे चलेंगे तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, बस बात खत्म। आप बुरे मत बनिए, तो आप बुरे नहीं बन सकते एग्जाम में, क्योंकि आप परीक्षार्थी हैं। अष्टावक्र का और उसका जो आप उपनिषद में देखते हैं या पढ़ते हैं, तो अष्टावक्र बुरे बन जाते हैं लास्ट में, सब लोग साधो साधो करते हैं और तारीफ करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उस समय में वो बुरे बन जाते हैं। जब ज्ञान सभा होती है और कौटिल्य के साथ में, यानी कि विष्णुगुप्त के साथ में जो विद्यार्थी आते हैं, तो गणानंद के सामने जब वो बोलते हैं तब वो भी बुरे बन जाते हैं। तो वो जो जमाना था, वो परीक्षाएं और वो विद्यार्थी, वो बहुत अलग थे, पर वर्तमान में आप इस प्रकार का लेखन करेंगे तो आप पनिश हो जाएंगे, और आपको पता नहीं कि सामने कौन बैठा है, कम्युनिस्ट बैठा है या वो कट्टर दक्षिणपंथी बैठा है, तो राइटिस्ट है या कम्युनिस्ट है नहीं पता आपको, अल्ट्रा राइटिस्ट भी हो सकता है और अल्ट्रा कम्युनिस्ट भी हो सकता है। तो केवल राइटिस्ट और कम्युनिस्ट भी उतने नाराज नहीं होते जितने अल्ट्रा वाले होते हैं, ये जो अल्ट्रा विंग है ये बड़ी खतरनाक है, अल्ट्रा विंग बहुत जल्दी नाराज भी होती है क्योंकि वो हाइपर बहुत होती है और वो पनिश करती है, तो आपको अल्ट्रा विंग से सावधान रहना है। और बीच की एक लाइन निकालनी है जो कम्युनिज्म और राइटिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच के अंदर जाता है, और आपके लिखने का सलीका ऐसा हो कि उसमें से न तो वो अंदाजा लगा पाए ना ये अंदाजा लगा पाए। इसलिए बार बार बीच में कॉन्स्टिट्यूशन रखना, क्योंकि राइटिस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं, बस ये कि एक फॉलो अलग तरीके से करते हैं और एक दूसरे तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, कम्युनिस्ट की अपनी खामियां हैं, वो विरोध के लिए विरोध करते हैं कई बार, मैंने आपको बताया था कि वो विरोध करते करते सीमाएं लांघ जाते हैं, बुद्धि को ताक में रख देते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो फिर वो समाज को भी भूल जाते हैं, राष्ट्र के कंसेप्ट को भी भूल जाते हैं, तो वो गड़बड़ वहां हो जाती है, तो उनको सपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं है, और राइटिस्ट को, अल्ट्रा राइटिस्ट को तो कतई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, और इसलिए वो सपोर्ट खींच लिया अमेरिका ने, भले ही कम मतों से खींचा लेकिन खींच लिया, ट्रंप काफी हद तक कामयाब रहे, 7 करोड़ लोगों को समझाने में कामयाब रहे अपनी विचारधारा से, इसलिए कहा ना कि ट्रंप को खत्म हो जाएगा, ट्रंप चला जाएगा, लेकिन ट्रंपिज्म जो है, ट्रंपवाद जैसे गांधीवाद था, ऐसा एक ट्रंपवाद छोड़ के चला गया वो आदमी, यानी नफरत छोड़ के चला गया, वो नफरत सिखा गया वहां के लोगों को कि नफरत करना आना चाहिए आपको, ये लोग तुम्हारे नहीं है, बहुत आसान होता है। बच्चों में जो है लोग आसानी से भर देते हैं, दो बहनें होती, दो भाई होते हैं, एक भाई बहन होता है, उसमें से भर देते हैं कि ये जो तुम हो ना, तुम असली नहीं हो इनके, मतलब तो वो माँ से जाके पूछता, क्या माँ मतलब वो जो बता रहे हैं कि मैं मतलब कहीं मिला था तुमको, मतलब मैं तुम्हारा असली वो नहीं हूं,
उसके दिमाग में आने लगता है, धीरे धीरे उसके दिमाग में आने लगता है, हाँ उस दिन मम्मी ने उसको उतना दिया था, पापा ने उसको वो इतने पैसे दिए थे, मुझे इतना नहीं दिया था, मतलब ये जरूर मैं कोई दूसरा हूं, मतलब उसके दिमाग में आने लगता है। नहीं, जो असली बच्चा है, जब उसको आप भेदभाव पैदा कर देते हो बोल बोल के, तो आपको लगता है कि जो दूसरी जाति के हैं, दूसरे धर्म के हैं, दूसरे जेंडर के हैं, उनमें भेदभाव पैदा नहीं किया जा सकता, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बार बार बोल करके किया जा सकता है, झूठ जोर से बोल करके किया जा सकता है, बार बार पुनरावृत्ति करके किया जा सकता है, जितना आप रिपीटेशन करोगे उतना झूठ सच होता चला जाएगा। लेकिन क्या वो सच हो गया है? सच तो नहीं हुआ है, वो है तो झूठ ही। और झूठ के साथ जिंदा रहना उम्र कम कर देता है, आत्मग्लानि भी पैदा करता है और बीमारियां भी पैदा करता है। जब आप झूठ के साथ जिंदा रहते हो तो खुद से बात नहीं करता, इंट्रोस्पेक्शन जब आप करते हो, आत्मनिरीक्षण जब करते हो, तो अपने आप को फेल पाते हो। इसलिए कई लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका फेल हो रहा है, जो मूल अमेरिका की भावना, हालांकि अभी तो बचा लिया किसी हद तक, लेकिन जो मूल अमेरिका की जो भावना है वो ट्रंप वाली भावना नहीं है। अमेरिका बड़ा लिबरल कंट्री है, उदारवादी है। तो आप कहोगे कि ये जो उदारवाद है यही गड़बड़ है, तो फिर आप जिंदा रह लोगे क्या? कट्टरता के साथ जिंदा रह लोगे? राइटिस्ट, अल्ट्रा राइटिस्ट के साथ जिंदा रह लोगे? क्या वो एक दूसरे को सहन करेंगे? दरअसल अभी जो व्यक्ति जो सोच रहा है ना, वो एक जिंदगी को सोच करके सोच रहा है कि ये एक जिंदगी है और ये हमको मिल गई, यानी अभी हम 20 साल के हैं और यही जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, और इसमें जितना छीन सकते हो, जितना इकट्ठा कर सकते हो, जितना परेशान कर सकते हो, जितना सुख ले सकते हो, जो एंजॉय कर सकते हो उसको करो, उसके बाद गेम खत्म। उदारवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण, महात्माओं का दृष्टिकोण, इस देश की संत परंपरा, इस देश की शहीद परंपरा, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी, सुभाष, और यदि मैं कहूं कि कबीर और बुद्ध, महावीर, ये उनकी भूमि है, तो ये जो सोचती है वो सदियों के लिए सोचती, सबके लिए सोचती है। और यहां तक कि प्राचीन हिंदू धर्म की जो हमारी सनातन परंपरा है वो भी वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से सोचती, और वो सदा के लिए सोचती, इसलिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विश्वास रखती है, इसलिए वो प्रकृति पूजा में विश्वास रखती, इसलिए वो दूसरों के भी आत्मवत सर्वभूतेषु की बात करती है। और उसमें पूंजीवाद का कोई स्थान नहीं, उसमें अल्ट्रा राइटिस्ट जो होते हैं उनका कोई स्थान नहीं। लेकिन आप कहेंगे कम्युनिस्ट का है, कम्युनिज्म का है, नहीं, कम्युनिज्म फिर इन्हीं लोगों को गाली देने लगता है ना, जो आत्मवत सर्वभूतेषु की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं को गाली देने लगता है। ये बोलते हैं हमारे देवी देवता बहुत अच्छे हैं, और किसी व्यक्ति को मान लिया जाए, ये कल्पना करने में बहुत आनंद आता है कि हमारे देवता विमान में उड़ते हैं और ये और वो, ऊपर से आशीर्वाद बरसाते हैं, फूल, और फूल वो चढ़ाता है भगवान को, और भगवान मान करके फूल चढ़ाता है और उसकी खुशबू उसको आती है। दरअसल भगवान तो क्या खुशबू लेंगे, खुद ही आदमी लेता रहता है, अगरबत्ती भी लेता है तो वो अगरबत्ती सुंदर, अच्छी से अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती तो टेस्ट करके जब वो लाता है, या किसी को लगता है कि ये अगरबत्ती आपके यहाँ जल रही है, क्या नाम है इसका, मैं भी ये वाली लाऊंगा, क्यों? क्योंकि खुशबू आपको पसंद आई है, भगवान की पसंद। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि ये जो आपको पसंद आ रही है तो भगवान को भी आएगी, तो मान लीजिए किसी को आनंद आ रहा है तो आपको उसको गाली देने की क्या आवश्यकता है? तो आप सिलेक्ट, कम्युनिज्म वाले भी क्या सिलेक्टिव हो जाते हैं, वो उधर मुस्लिम को गाली नहीं देते, वो क्या करते हैं कि हिंदुओं को पकड़ते हैं और हिंदुओं के देवी देवताओं को लेके गाली देना शुरू कर देते हैं, और हिंदू जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है ना उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं, देखो इसको भगवान दिख रहे हैं और इसकी अगरबत्ती का धुआं भी वो ले रहे हैं। ये जो क्रिटिसिज्म करने का जो स्तर गिर जाता है ना, ये तो मैं बहुत सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ, वो तो बहुत गंदी भाषा बोलते हैं कई बार, देवी देवताओं के लिए बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये भावनाओं, बात भावनाओं की तो है सारी की सारी, हिंदू धर्म में तो भावनाओं के सिवा है ही क्या, असली में तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, भावनाओं के रूप में ही, और बोलते भी हैं हिंदू धर्म में कि भगवान भावना के भूखे होते हैं, भावना प्रधान ही तो है, और
और आपने भावनाओं को ही ठेस पहुंचा दी, फिर वो आप कहो कि हमको एक्सेप्ट कर ले, कैसे करेंगे? इसलिए नहीं करते एक्सेप्ट। इसलिए जो राइटिस माइंड के लोग होते हैं वो कम्युनिस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, किसी हालत में नहीं करते, क्योंकि उन्होंने गाली दी हुई है भगवान। तो तुम आर्थिक एजेंडे में रहो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रहो, भाईचारे की बात करना तो भाईचारे पे रहो, एकता की बात करनी तो एकता पे रहो, पर्सनल भावनाओं पे क्यों जाते हो? फिर वो भी आ जाते, तुम आवारा, तुम ये, तुम्हारे यहाँ ये, तुम्हारे यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं, वो फिर उस पे आ जाते हैं, वो इस पे आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे की गाली देके। जबकि दोनों की विचारधाराओं में भावनाओं को हनन करने का कोई बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके जो फाउंडर है उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, फाउंडर ने तो किसी ने भी नहीं किया। तो फिर आपको आंसर लिखते समय ना अंबेडकर होना पड़ेगा, अंबेडकर जैसा लिखते थे। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जिनको हम लोग कहते हैं, वो कभी भी ओछा नहीं लिखते थे, ओछा कभी नहीं लिखा उन्होंने, ओछापन नहीं था उनके। गांधी भी ओछा नहीं लिखते थे, विरोधियों के लिए भी वैसा नहीं लिखते थे, और स्वामी विवेकानंद भी नहीं लिखते थे। तो तीन चीजों, तीन लोगों को लिखते समय फॉलो कर सकते हो, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छे कैरेक्टर बता रहा हूं मैं आपको, उनके उसमें ओछापन नहीं मिलेगा आपको। चाहे उन्होंने मनुस्मृति को जलाने की बात कही हो, लेकिन मनुस्मृति धार्मिक किताब नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बुक थे। जैसे कृषि कानूनों को जलाने की बात अगर कोई कहे कि मैं ये जो तीन कृषि कानून अध्यादेश आए हैं, इन अध्यादेशों को मैं जलाता हूं, तो ये धर्म का विरोध नहीं है, ये कानून का विरोध है। तो ध्यान रखिए, मनुस्मृति कानून था, और मनुस्मृति बहुत बाद में लिखा गया है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का नहीं है, गुप्त काल का है, गुप्त काल से पहले थोड़ा सा मान लें, लेकिन ये तब का है। तो ये क्या था, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय का। तो एडमिनिस्ट्रेशन की किताब में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है और उसकी आलोचना होती है, तो इसका मतलब धर्म की आलोचना नहीं है। ध्यान रखिए, मनुस्मृति की आलोचना हिंदू धर्म की आलोचना नहीं है, मनुस्मृति और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है। यहां दोनों तरफ भ्रमित किया जाता है। कम्युनिस्ट आंदोलन वाले क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं हिंदुओं के इस धर्म ग्रंथ को जला दो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो दलितों को वो उकसाते हैं और बोलते हैं कि तुम हिंदू। अच्छा, दलित लोग भी उनके उकसावे में आकर के बोलते हैं देखो हम तुम्हारा धर्म ग्रंथ जला रहे हैं, तुम क्या कर लोगे ये, तो वो उकसावे में आ जाते हैं, अच्छा हमारा धर्म ग्रंथ जलाओगे, हम तुमको पीटेंगे, बस वो बवाल हो जाता है। अगर जो हिंदू कट्टर हैं, अगर उनको ये समझा दिया जाए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुक थी, ये कानून था, और इस कानून में डिस्क्रिमिनेशन था, और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कानून के खिलाफ तो बात की जा सकती है। आज पंजाब के किसानों को आप पार्टी विरोधी बोल सकते हो कि ये बीजेपी विरोधी लोग हैं, ये मोदी विरोधी लोग हैं, लेकिन आप उनको ये नहीं बोल सकते कि ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग उनको, जो दिल्ली में कृषि कानून की हटाने की बात कर रहे हैं, वो हिंदू विरोधी नहीं हो सकते, वो बीजेपी विरोधी हो सकते हैं, मोदी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू विरोधी नहीं है। यही तो एक आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए वो मनुस्मृति की बात होती, दोनों ही तरफ खून बाल मारने लगता है, दोनों ही जगह ये अज्ञानता है ना, दोनों ही तरफ अज्ञानता है, आप उनको समझाओ। पर ये बात कितने लोग जानते हैं और कितने लोग समझाने जाएंगे? आपकी लाइन ये होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, आपका तरीका लिखने का। तो इसे एक एग्जांपल से समझ जाइए, सच को लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है आज की बात सार्थक हुई और आप लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है ना, और बहुत सारी सच्चाइयां भी आपके सामने आई।